सेना पर दिए विवादित बयान के बाद ऋचा चड्ढा का एक और ट्वीट आया सामने, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा का विवादित ट्वीट, पीओके वापस लेने वाले सेना के बयान पर गलवान को लेकर कसा तंज, ट्वीट में लिखा गलवान से इजहार। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने लॉक किया अपना ट्विटर अकाउंट, सेना पर विवादित ट्वीट के बाद लॉक किया अकाउंट। ऋचा के ट्वीट पर बीजेपी ने साधा निशाना, ऋचा का ट्वीट अपमानजनक, पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया गया ट्वीट, ऋचा की सोच भारत विरोधी है, ऋचा पर कार्रवाई करे मुंबई पुलिस। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर एक और पोस्टर बाद सत्येंद्र जैन के वायरल वीडियो को लेकर पोस्टर, सत्येंद्र जैन के खाने वाले वीडियो पर कसा तंज। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर प्रचंड प्रहार, पोस्टर के लिए जरिए बीजेपी ने सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई, मीडिया में सीसीटीवी फुटेज का प्रसारण रोकने की मांग। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब का आज हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट, बुखार की वजह से कल नहीं हुआ टेस्ट, नार्को टेस्ट और ब्रैंड मैपिंग की भी तैयारी। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक 17 लोगों के बयान दर्ज, डेटिंग ऐप के जरिए आफ्ताब से जुड़ी 2 लड़कियों से भी पूछताछ हुई, दिल्ली पुलिस की एक टीम अब भी मुंबई में मौजूद। श्रद्धा की चिट्ठी का खुलासा होने के बाद बोले देवेंद्र फडणवीस, चिट्ठी दब गई इसीलिए गई श्रद्धा की जान। गुजरात में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, बनासकांठा के पालनपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया जनसभा को संबोधित, कहा गुजरात में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। गुजरात के चुनावी जनसभा में यूपी के सीएम योगी के लिए लगे नारे, द्वारका में शेर आया के लगे नारे। सीएम योगी के मंच पर पहुंचते ही लगे जय श्री राम के नारे, चुनाव प्रचार में मोदी के बाद सबसे ज्यादा योगी की डिमांड। गुजरात चुनाव पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा, कहा गुजरात के परिणाम चौंकाने वाले होंगे, अब तक की सबसे बड़ी सत्ता विरोधी लहर गुजरात में। पीएम नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेला के तहत गोवा में आयोजित एक सभा को करेंगे संबोधित, वर्चुअली जोड़ेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 12 जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज दूसरा दिन है, राहुल गांधी ने आज सुबह खंडवा के भोरगांव से यात्रा की शुरुआत की। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को मिला बहन प्रियंका का साथ, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई प्रियंका। मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में जैकलीन की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई, जैकलीन के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस। जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रोन वाली साजिश नाकाम, संदिग्ध पैकेट से मिला आरजीएक्स नष्ट किया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा में मिला संदिग्ध पैकेट, विजयपुर इलाके में ड्रोन से गिराया गया संदिग्ध पैकेट। सांबा के विजयपुर इलाके में ड्रोन से गिराया गया संदिग्ध पैकेट, पैकेट से हथियार और 5 लाख कैश बरामद। हरियाणा के नूह में 3 बच्चों को पानी के टैंक में डालकर उतारा मौत के घाट, बच्चों के साथ टैंक में डूबी मां की हालत गंभीर। बिहार के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मिली जान से मारने की धमकी, चिट्ठी में सर तन से जुदा करने की धमकी। चिट्ठी में विभाग के कर्मी शशि शेखर को दरभंगा से दूर ट्रांसफर करने को कहा, धमकी मिलने से परिवार में दहशत तनाव। प्रोफेसर के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी कही दी गई है, आलम प्रवेश नाम के एक शख्स ने दी धमकी, पीएम ने मन की बात में प्रोफेसर की तारीफ की थी। गुजरात के सूरत में लफ्जियात मामले में कॉलेज में मारपीट, वीएचपी कार्यकर्ताओं ने 3 मुस्लिम स्टूडेंट्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सूरत के भगवान महावीर कॉलेज में मुस्लिम छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल, हालांकि इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत नहीं दर्ज की गई। वीएचपी के कार्यकर्ताओं के मुताबिक कुछ मुस्लिम लड़के सोशल मीडिया में फर्जी नाम से हिंदू लड़कियों से चैट करते थे, कॉलेज में स्टिंग ऑपरेशन से आरोपियों की पहचान। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लव जिहाद का मामला, गर्दन पर चाकू रखकर युवक ने पढ़वाया निकाह, हरियाणा से ले जाकर शारीरिक शोषण, युवक गिरफ्तार। आरोपी सलमान ने अपना नाम श्याम बताकर किशोरी से मुलाकात की थी, सलमान ने धर्म परिवर्तन कर निकाह का डाला था दबाव। राजस्थान के जयपुर में स्कूटी सवार एक युवती को बदमाशों ने गोली मारी, दूसरे धर्म में शादी करने पर युवती पर हमले का आरोप, पति लतीफ का आरोप, भाई ने किया हमला। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की, यूएपीए के तहत एनआईए ने बिश्नोई को किया गिरफ्तार। आतंकवादियों से भी लॉरेंस बिश्नोई के कनेक्शन जुड़ रहे थे, कई तरह के इनपुट सामने आने के बाद एनआईए ने उसके खिलाफ एक्शन लिया। पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जाने के मामले में पीएफआई का पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल सलाम गिरफ्तार, 22 महीने पहले सांगानेर में लगाए गए थे नारे। जम्मू कश्मीर के डीजी दिलबाग सिंह ने कहा कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की संख्या 2 अंकों तक सिमटी, साउथ कश्मीर में पहली बार दहशतगर्दी में इतनी कमी आई।
सीएम योगी आज प्रयागराज को देंगे तोहफा, 1294 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। यूपी में मदरसों के सर्वे पर बोले सिद्धार्थनाथ सिंह, मदरसों की भी जांच होगी, फंडिंग की जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। योगी 2.2 में अपराधियों पर बड़ा एक्शन जारी हुआ, सरकारी आंकड़ा, 2524 करोड़ से अधिक की संपत्ति हुई जब्त, 197 अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई। यूपी में नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया सिंबल, बीजेपी कांग्रेस एसपी समेत 18 दलों के लिए जारी हुए सिंबल, 197 चुनाव चिन्ह निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए जारी। यूपी में लखनऊ मेट्रो का दूसरा कॉरिडोर होगा शुरू, रूट मैपिंग का काम पूरा हो गया है, चारबाग रेलवे स्टेशन से बसंत कुंज तक दौड़ी मेट्रो। लखनऊ में गबन के आरोप में बड़ी कार्रवाई, एसजीएसटी मुनीलाल को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया, 2,44,00,000 रुपए के गबन के आरोप में गिरफ्तारी। यूपी के मेठी में दबंगों ने जमकर बरसाई लाठियां, आधा दर्जन लोग हुए घायल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में मॉर्निंग वॉक के लिए गए व्यक्ति से लूट करने वाले बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस की गिरफ्त में आया बदमाश। एमपी में युवाओं के लिए वन विभाग में नौकरी का मौका, 1,926 पदों पर होगी सीधी भर्ती, जल्दी जारी होंगे विज्ञापन। एमपी के भिंड में बंदूक से केक काटने का आरोपी गिरफ्तार, जन्मदिन पर अवैध हथियार से 10 केक काटकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था वीडियो। मसूरी में चिंतन शिविर का तीसरा दिन योगा के साथ शुरुआत हुई, उत्तराखंड के सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ किया योग। राजस्थान के सिरोही में हनुमान मंदिर हटाने का मामला, हिंदू संगठनों ने आज बंद का ऐलान किया, प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर जता रहा विरोध। 9 दिसंबर को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए होगी वोटिंग, 10 दिसंबर को ओपन सेशन में फैसला। पटना में डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम पर 25 लाख की ठगी, 5 साल से चल रहा था खाते में करोड़ों का लेनदेन, 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बिहार के कई शहरों में बड़ा प्रदूषण का स्तर, राजधानी पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार, हवा में लगातार बढ़ रहे धूल के कण। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।